हेलो एवरीबडी वेलकम टू बैंगल ब्रेन्स मैं हूं हनीशा आपके अपनी इंग्लिश एजुकेटर और आज मैं स्टार्ट करने वाली हूं क्लास ट्वेल्थ की जो आपकी इलेक्टिव बुक है विच इज क्लाइडोस्कोप उसकी पोम नंबर टू विच इज़ पोम्स बाय मिल्टन और आज उसकी जो सेकंड पोम है विच इज़ ऑन शेक्सपियर आज उसका करने वाली हूँ मैं एक्सप्लेनेशन लाइन बाय लाइन सो लेट्स बिगिन विद द पोम एक्सप्लेनेशन लेकिन उससे पहले लेट्स रीड अबाउट द ऑथर यानी कि जो पोएट हैं जिन्होंने ये पोम लिखी है सो जॉन मिल्टन जिनकी पिक्चर आप मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख सकते हैं यही इस पोम के पोएट हैं इनका बर्थ ईयर 1608 में हुआ था और डेथ ईयर 1674 में हुई थी तो इन्होंने अपनी पोइट्री लिखना 10 इयर्स की एज में स्टार्ट किया था और जब इन्होंने अपना फॉर्मल एजुकेशन कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से ख़त्म किया तो उन्होंने ऑलमोस्ट हर लैंग्वेज में जो कुछ भी अवेलेबल था लैटिन लैंग्वेज ग्रीक लैंग्वेज इटालियन इंग्लिश जिस भी लैंग्वेज में जो कुछ भी जितनी भी किताबें अभी तक उनको दिखी उन्होंने सब पढ़ डाली सब पढ़ ली इन्होंने और फिर इनको लैटिन लैंग्वेज का सेक्रेटरी घोषित कर दिया गया था जहाँ पर इन्होंने इतना हार्ड इतनी, इतनी मेहनत करी कि इनको आई स्ट्रेन हो गया यानी आँखों की तकलीफ़ बढ़ने लगी इनको और क्यों बढ़ने लगी क्योंकि देर देर तक लेट नाइट ये रीड करते रहते थे सिर्फ किताबें ही पढ़ते रहते थे जिसकी वजह से ये टोटली ब्लाइंड हो गए यानी पूरी तरीके से अंधे हो गए 45 इयर्स की एज में और जब इनकी डेथ के पहले फाइनल ईयर्स यानी इनकी जो कुछ जो अंतिम साल थे तब इन्होंने इनकी दो फेमस पोइट्रीज लिखी थी विच इज़ एक थी पैराडाइज लॉस्ट और दूसरी थी पैराडाइज रीगेंड अब आप बोलेंगे कि अंधे होने के बाद इन्होंने कैसे लिखी तो इन्होंने लिखी थ्रू डिक्टेशन यानी कि ये डिक्टेट करते गए मुंह से बोलते गए और उसके बाद किसी ने इनकी ये दो पोम्स को लिखा सो दिस वॉज ऑल अबाउट आर पोएट जॉन मिल्टन एंड नाव लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोम मैं आपको पोम के नाम बता देती हूँ विच इज़ ऑन शेक्सपियर सिक्सटीन थर्टी नाम से ही समझ में आ रहा कि है कि पोम किसके ऊपर है शेक्सपियर विलियम शेक्सपियर नाम के जो महान कवि प्ले राइट थे उनके ऊपर लिखी गई है और किस ईयर में लिखी गई है ईयर सिक्सटीन थर्टी में ये पोम लिखी गई थी यस yes, तो जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पोम लिखी है और बहुत तारीफ़ करी है और ट्रिब्यूट यानी उनकी याद में उनकी रिस्पेक्ट में जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पूरी पोअम लिखी है उन्होंने बताया है कि जॉन मिल्टन जॉन मिल्टन ने बताया है कि शेक्सपियर का उनकी लाइफ में बहुत प्रभाव यानी बहुत गहरा असर पड़ा है जॉन को लगता है कि जॉन को लगता था कि जिस क्वालिटी ऑफ वर्क जो क्वालिटी ऑफ वर्क शेक्सपियर लिखते हैं वो वैसा आज तक कोई नहीं लिख पाया इतना ग्रेट प्लेराइट सोनेट्स जो जो शेक्सपियर लिखते हैं वैसा कोई नहीं लिख पाया और उनके रीडर्स पे यानी शेक्सपियर के जो किताबें पढ़ते थे जो उनके रीडर्स थे उनके रीडर्स में जैसे एक एक लिखी गई लाइन उनके अंदर समा जाती थी यानी उन रीडर्स के अंदर समा जाती थी और वो कभी भूल नहीं सकते थे फिर विलियम जॉन मिल्टन कहते हैं कि मुझे एक टूम यानी एक मकबरा बनवाना है मकबरा यानी जहाँ किसी की डेड बॉडी को रखा जाता है उनके मरने के बाद या उनके बचे कुछ ही हड्डियाँ या बोन्स को रखा जाता है तो जॉन मिल्टन कहते हैं कि मुझे एक बहुत अच्छा मकबरा बनवाना है लेकिन किसके लिए शेक्सपियर के लिए लेकिन शेक्सपियर जो है वो उनके लिए तो कुछ ऐसा टूम्ब बनना चाहिए जो कभी भी खराब ना हो ऐसे ऐसे पत्थर ऐसे मार्बल का बनना चाहिए जो शायद कभी भी समय के साथ ख़राब ना हो हमेशा वैसा का वैसा अच्छा ही रहे लेकिन धीरे धीरे जब हम पोम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जॉन मिल्टन कहते हैं कि उनको किसी टूम किसी मकबरे की तो ज़रूरत ही नहीं है तो फिर उनका टूम उनका मकबरा क्या होगा तो पोम के एंड में फाइनली जॉन मिल्टन डिसाइड करते हैं कि शेक्सपियर का जो टूम टूम यानी जो उनका मकबरा है जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को या उनकी रिमेनिंग बोन्स को रखा जाएगा वो जगह कौन सी होगी ओके नाउ लेट्स बिगिन विद द एक्सप्लेनेशन ऑफ आर पोम वॉट नीड्स माई शेक्सपियर फॉर हिज ऑनर्ड बोन्स तो पहली लाइन में जो जॉन मिल्टन है वो सवाल पूछ रहे हैं शेक्सपियर को कि मेरे शेक्सपियर को क्या जगह चाहिए कौन सी चीज़ चाहिए अपनी ऑनर्ड बोन्स को रखने के लिए यानि अपनी डेथ के बाद जो बच्ची कुची हड्डियाँ हैं उनको रखने के लिए कौन सी जगह चाहिए और ऑनर्ड इसलिए क्योंकि वो बहुत रिस्पेक्टेड उनकी हड्डियाँ भी बहुत रिस्पेक्टेड हैं विलियम शेक्सपियर की ओके okay? सम्मानीय है क्योंकि शेक्सपियर बहुत बड़े कवि थे तो पहली लाइन में वो सवाल पूछते हैं कि मेरे शेक्सपियर को कौन सी जगह चाहिए अपनी रिस्पेक्टेड बोन्स यानी हड्डियों को रखने के लिए यानी इनकी डेड बॉडी को कहाँ रखा जाए द लेबर ऑफ एन एज इन पाइल्ड स्टोन्स और दैट हिज हॉलोड रेलिक्स शुड बी हिड तो बोला जा रहा है क्या उनके लिए लेबर करके यानी बहुत मेहनत करके ऑफ एन एज यानी कई सालों की मेहनत कर कर के करके -कर क्या उनके लिए पत्थरों का पाइल्ड स्टोन्स यानी पत्थरों का क्या एक टूम यानी कि एक मकबरा बनवाया जाए जहाँ पर उनकी डेड बॉडी को रखा जाए या फिर जो उनके रेलिक्स हैं रेलिक्स यानी समथिंग कनेक्टेड विद बोन्स और डेड बॉडी ऑफ अ सेंट जब किसी संत की डेड बॉडी होती है या उनके बच्चे ही हड्डियाँ होती हैं उनकी डेथ के बाद बच्चे ही उनकी बॉडी के रिमेन्स उनको हम रेलिक्स कहते हैं तो पोएट जॉन मिल्टन कहते हैं या तो हम बहुत सालों की मेहनत करके बहुत शानदार सा डेकोरेटेड सा बड़ा सा एक टूम्ब एक मकबरा बनवाएं पत्थरों का किसके लिए शेक्सपियर के लिए या तो हम जो उनकी जो हड्डियां हैं बची कुची जो उनकी रिमेन्स हैं क्या इनको हम कहीं हिड कर लें कहीं छुपा के रख लें जैसे बड़े बड़े राजाओं की हड्डियों को छुपा के रख लेते हैं तो वैसा कहीं छुपा के रख लें कहाँ छुपा के रख लें अंडर अ स्टारी पॉइंटिंग पिरामिड अब पिरामिड क्या होता है पिरामिड में आपको पता है पिरामिड को जिस टाइप के शेप का होता है यूजुअली जो फेरोज जो किंग्स होते थे इजिप्ट में वहाँ पे जो उनको ममीज़ बना के पिरामिड में रख दिया जाता है तो जॉन मिल्टन कह रहे हैं तो क्या ऐसा कर लें कि हम छुपा के रख लें उनकी हड्डियों को उनकी बोन्स को किसी एक ऐसे पिरामिड के नीचे जो स्टारी पॉइंटिंग हो स्टारी पॉइंटिंग यानी आसमान छू रहा हो यानी इतना बड़ा कोई पिरामिड हो जैसे कि सितारों को छू रहा हो बहुत हाईएस्ट पिरामिड हो उसके अंदर क्या हम इनकी बोन्स को छुपा कर रखें कहाँ रखें सन ऑफ मेमोरी ग्रेट एयर ऑफ फेम तो अब यहाँ पर बोला जा रहा है यहाँ पे तारीफ करी जा रही है किसकी तारीफ करी जा रही है शेक्सपियर के बोला जा रहा है कि ए सन ऑफ मेमोरी यानी कि याददाश्त के वंशज यानी कि कितना ही तुम मर गए हो कितने साल हो गए हो लेकिन आज भी लोग तुम्हें याद रख रहे हैं एयर ऑफ फेम फेम यानी फेमस प्रसिद्धि की तुम उत्तराधिकारी हो यानी तुम इतने फेमस हो कि आज तक जनरेशन्स बाय जनरेशन्स यानी कि सब लोग तुम्हें याद रखते हैं वॉट नीडिस्ट दाव सच वीक विटनेस ऑफ दाई नेम अब ये जो दाव और दाए है ये दोनों आर्केक वर्ड्स हैं यानी ओल्ड फैशन के इंग्लिश वर्ड्स हैं तो पुराने ज़माने में जो दाव होता था उसको आज के ज़माने में हम कहते हैं यू और पुराने ज़माने में जिस चीज़ को हम दाए कहते थे उसको उसको आज के ज़माने में हम कहते हैं योर तो यहाँ पे सवाल पूछ रहे हैं जॉन मिल्टन कि भाई तुम्हें इतने वीक विटनेस की क्या ज़रूरत है अपना नाम याद रखवाने के लिए तो यहाँ पर जॉन मिल्टन कहते हैं शेक्सपियर को कि शेक्सपियर तुम तो भाई समृद्धि के उत्तराधिकारी हो प्रसिद्धि के और तुम तो सन ऑफ मेमोरी हो यानी हर कोई जनरेशन तुम्हें याद करती है सब ने शेक्सपियर की किताबें पढ़ी हुई हैं तो तुम्हें क्या ज़रूरत है कि अपना नाम हमेशा लोगों के दिलों में याद करने के लिए तुम्हें इतनी कमज़ोर विटनेस की ज़रूरत पड़ गई अब कमज़ोर विटनेस यहाँ पर किसको बोला गया है टूम्स को या मकबरों को जो पत्थर के मकबरे होते हैं क्योंकि ये जो पत्थर के टूम्स होते हैं मकबरे होते हैं ये वीक होते हैं यानी धीरे धीरे जैसे जैसे समय बढ़ता जाएगा साल निकलते जाएंगे ये टूम्स ये मकबरे खराब होते जाएंगे ये मोन्यूमेंट्स खराब होते जाएंगे खराब हो जाएंगे तो फिर क्या फिर तो मतलब लोग बोलेंगे ना अरे शेक्सपियर का खराब हो गया ये सर नो तो वो बोल रहे हैं कि तुम्हें इतनी वीक चीज़ की क्या जरूरत है तुमको तो हर कोई जान रहा है दाव इन आर वंडर एंड एस्टोनिशमेंट हैस्ट बिल्ट दाई सेल्फ लाइव लॉन्ग मोन्यूमेंट अभी जो हैस्ट है ये भी एक आर्कैक वर्ड है जिसका मतलब होता है आज के ज़माने में हैव तो यहाँ पर बोल रहे हैं जॉन मिल्टन कि दाउ मीन्स तुमने तुमने तो वंडर एंड एस्टोनिशमेंट क्रिएट किया है तो यहाँ पर बोलते हैं जॉन मिल्टन कि भाई तुमने तो इतना अच्छा लिखा इतनी अच्छी पोइट्स लिखी इतने अच्छे सोनेट्स प्ले लिखे हुए हैं जिसको जनरेशन बाय जनरेशन सब लोग पढ़ रहे हैं और जब हम पढ़ते हैं तो हम वंडर एंड एस्टोनिशमेंट, यानी आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि कोई इतना अच्छा कैसे लिख सकता है और तुमने तो जैसे मानो हमारे अंदर ही एक मकबरा बना लिया है क्योंकि जब हम लोग तुम्हारी किताबें पढ़ते हैं शेक्सपियर तो हम इतने प्रभावित इतने इंस्पायर हो जाते हैं कि एक एक लाइन जैसे हमारे दिल को छू रही है और हमने अपने अंदर जैसे समा लिया है शेक्सपियर की किताबों को लाइनों को उनके सोनेट्स को तो तुमने तो एक लाइव लॉन्ग यानी दाउम्र रहने वाला मॉन्यूमेंट यानी मानो एक मकबरा हमारे अंदर ही बना लिया क्योंकि तुम जैसे अब हमारे अंदर समाए हो तुम्हें बाहर कोई चकाचौंद वाला पत्थर के मार्बल का स्टैचू की ज़रूरत नहीं है जो तुम्हारे रीडर्स हैं जो तुम्हारे लिए लॉयल हैं जो हमेशा तुम्हारी किताबें पढ़ेंगे और पसंद करेंगे उनके अंदर तुम समाये हुए हो और ये जो मकबरा बाहर बनवा हैं की कोशिश साजिश की जा रही है उसको मत बनवाओ क्योंकि लोगों के अंदर तुम एवर लास्टिंग हो ताउम्र जीवित रहोगे जिंदा रहोगे कोई शेक्सपियर को नहीं भूलेगा फॉर वाइल्स टू द शेम ऑफ स्लो इन देवरिंग आर्ट तो विल्स का मतलब क्या है विल्स भी एक तरीके का क्या है आर वर्ड है जिसका मतलब होता है वाइल और एंडेवरिंग का मतलब क्या होता है टू ट्राई वेरी हार्ड जब आप बहुत हार्ड कोशिश कर रहे हो बहुत मेहनत कर रहे हो तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि शेक्सपियर यहाँ भी शेक्सपियर की तारीफ़ कर रहे हैं जॉन मिल्टन और कह रहे हैं कि भाई जो तुम्हारे साथ के पोएट्स हैं शेक्सपियर को कह रहे हैं कि जो तुम्हारे साथ जो तुम्हारे जनरेशन के जो पोएट्स हैं बड़े बड़े जो कवि थे वो तुम जैसा लिखने की इंडेवर कर रहे हैं यानी बहुत कोशिश कर रहे हैं कि हम भी शेक्सपियर जैसा लिखें इतना इंस्पायरिंग काम लिखें कि लोग हमें भी शेक्सपियर जैसा पसंद करें लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है वो बहुत मेहनत कर रहे हैं लेकिन फिर भी वो तुम तुम्हारे जैसे नहीं बन पा रहे हैं और जब वो नहीं कर पा रहे तो उनको बहुत शेम फील हो रहा है यानी उनको शर्म आ रही है दा इजी नंबर्स फ्लो दाए मतलब योर योर इजी नंबर्स फ्लो तो इतनी इस लाइन का मतलब ये है कि जितनी मेहनत तुम्हारे साथ के पोएट्स कर रहे हैं तुम्हें उतनी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही क्योंकि तुम्हारे अंदर तो वो आर्ट इनबिल्ट है बाय बॉर्न है बाय बर्थ है तुम बहुत इजीली बहुत अच्छे से वो सारा काम लिख लेते हो इतना अच्छा सब लिख लेते हो और लोगों को इंस्पायर कर लेते हो जैसे लोग अपने अंदर समा लेते हैं और बहुत ईजिली नंबर्स मीन जो तुम्हारा काम लिखा गया तुम्हारा काम है वो लोगों के दिलों तक फ्लो हो रहा है यानी लोगों तक तुम्हारी बात पहुँच रही है बहुत इंस्पायर कर रहे हैं तुम्हारी लिखी गई लाइनें एंड दैट ईच हार्ट फ्रॉम द लीव्स ऑफ अनवैल्यूड बुक अब हैथ का मतलब क्या है ये भी एक आपका एक वर्ड है जिसका मतलब होता है हैव हैव ये भी ही होता है तो ये बोला जा रहा है कि हर एक दिल हर एक दिल यानी हर एक इंडिविजुअल है एक एक, एक इंसान जो तुम्हारी किताब पढ़ रहा है तुम्हारी जो लिखी गई लिखी गई किताबें हैं वो उनके दिलों तक पहुँच रही हैं जैसे कि अंदर समा गई हैं और उन और जो तुम्हारी बुक्स है वो अनवैल्यूड बुक्स है यानी कि वो वैल्यू या वर्थ में काउंट ही नहीं होती वो उसके ऊपर रुक चुकी हैं और जब वो लोग तुम्हारी ऐसी किताबें पढ़ते हैं तो उसकी जो कुछ लीव्स हैं वो निकाल लेते हैं लीव्स है यानी कि पेजेस यानी कब कई बार ऐसा होता है कि कुछ पर्टिकुलर पेजेस आपकी किताबों के लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं तो पेजेस वो निकाल लेते हैं निकाल लेते हैं मतलब फाड़ के नहीं निकालते यानी उन वो वो कभी भूल नहीं पाएंगे उन पेजेस को हमेशा उनको वो पेजेस याद रहेंगे कि यार उस पेज पर ये पढ़ा था तो ऐसा भी होता है तो लीव्स का मतलब यहाँ पर क्या है पेजेस शेक्सपियर की किताबों के कुछ अच्छे पेजेस जो लोगों को पसंद आए हों दो डेल्फिक लाइन्स विद डीप इम्प्रेशन टुक अब डेल्फिक का मतलब क्या होता है रिलेटेड टू एंशंट टाइम कोई ऐसी चीज़ जो पुराने जमाने की एंशंट समय से से जो रिलेटेड है तो बोला जा रहा है कि तुम्हारी जो डेल्फिक लाइन्स है ऑब्वियसली जो शेक्सपियर है वो कितने सालों पुराने सदियों पुराने आ, पोएट हैं तो जो उन्होंने लिखा है वो एंशंट यानी पुराना ग्रीक ज़माने का ही था तो यहाँ बोला जा रहा है कि जो जो तुम्हारी डेल्फिक लाइंस है जो कुछ तुम्हारी इतनी बेहतरीन तुमने कुछ लाइंस लिखी हैं उन लाइंस ने तुम्हारे रीडर्स के मन पर इतना गहरा डीप इम्प्रेशन छोड़ा इतनी छाप छोड़ी है कि वो शायद कभी नहीं भूल पाएंगे तुम्हारी लिखी गई लाइने हमेशा याद करेंगे अपने डेली लैंग्वेज में जो भी वो बोल रहे होंगे उसमें भी वो लाइंस को वर्ड्स को यूज़ करेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा प्रभावित है तुमसे जैसे कि तुम तुम उनके अंदर समाये हुए हो वो इतने ज्यादा हैं हैं आगे बढ़ते हैं। Then, thou fancy of it self -bereaving. अब दाव का मतलब क्या होता है दाव भी एक आर के एक वर्ड है जिसका मतलब होता है यू बिलीविंग का मतलब क्या होता है टू बी डिप्राइड ऑफ अ क्लोज फ्रेंड आफ्टर देयर डेथ जब किसी क्लोज फ्रेंड की या किसी आपके करीबी की डेथ हो जाती है और उसके बाद जो आप डिप्राइव्ड हो जाते हो यानी जो आपकी लाइफ में खालीपन महसूस होता है किसी की डेथ के बाद या किसी के मरे मर के चले जाने के बाद तो वो फीलिंग जो होती है वो बिलीविंग होती है तो इस लाइन में बोला जा रहा है यहाँ पे शेक्सपियर को बोला जा रहा है कि आपकी डेथ हो गई आप हमसे दूर चले गए हो लेकिन आपके जाने के बाद हमें बिल्कुल भी खालीपन या आपकी कमी महसूस नहीं हो रही क्योंकि आपका काम इतना अच्छा है आपने इतनी अच्छी चीजें लिखी हैं तो जो हम वो रीड करते हैं तो जैसे समझो हमें आपकी कमी महसूस ही नहीं होती ऐसा लगता है आप हमारे सामने ही हो आपकी किताबों द्वारा आपके लिखे गए काम द्वारा ओके डॉस्ट मेकार्बल विथ टू मच कंसीविंग अब डॉस्ट क्या है ये भी एक आर वर्ड है जिसको आज के जमाने में हम क्या कहते हैं कहते हैं डू ओके मार्बल है कोई चीज पत्थर की बनी हो यहाँ पर मार्बल का मतलब है कि मार्बल का टूम यानी मार्बल का मकबरा जो शेक्सपियर के लिए बनवाने की बात हो रही थी तो यहाँ पर यह बोला जा रहा है कि डॉस्ट मेकर्स मार्बल विथ टू मच कंसीविंग यानी कि आपको पत्थर के मार्बल की क्या जरूरत है इतने शान और शौकत के बनाए हुए स्टैचू की टूम यानी मकबरे की क्या जरूरत है वो तो एक वक्त के बाद खराब हो जाएगा आपका काम तो इतना प्रभावशाली है कि आपके रीडर्स के मन में जैसे आप समा गए हो शेक्सपियर से जैसे वो समझो भर गए हैं तो आपकी जो टूम है आपका जो मकबरा है वो आपके रीडर्स के अंदर बन चुका है बेसिकली रीडर्स बोल रहे हैं रीडर्स के लिए बोला जा रहा है कि रीडर्स आपके टूम है और समझो उनके अंदर ही आप समा गए हो और वो कभी खत्म नहीं होगी क्योंकि आपके रीडर्स हमेशा आपके लिए लॉयल रहेंगे And so, sepulchred in such pomp dost लाइव Sepulchred का मतलब क्या होता है टू बरी इन द ग्रेव जब किसी को आप कब्र में दफनाते हो दैट इज sepulchred. Dost मैंने आपको बता ही दिया आज के ज़माने में इसको डू कहते हैं ये आर के एक वर्ड है तो यहाँ ये बोला जा रहा है कि शेक्सपियर आप जो इतने पॉम्प से लेटे हुए हो यानी इतने ठाट बाट से लेटे हुए हो अपनी कब्र में या अपने मकबरे में तो कहाँ लेटे हुए वो 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 मकबरा कहाँ है तो वो मकबरा आपके रीडर्स के अंदर है आपको कोई बहुत शान व शौकत सजावटी टूम बनवाने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है शेक्सपियर लिए क्यों क्योंकि हमारे रीडर्स के अंदर ही शेक्सपियर का मकबरा है और वो अपने रीडर्स के दिलों में रहते हैं उनके काम की वजह से ओके द किंग्स फॉर सच अ टूम वुड विश टू डाई और जो बड़े बड़े किंग बड़े बड़े जो राजा हैं उनके लिए टूम बनवाई जाती हैं सोने की बहुत सजा सजावटी टूम मकबरे बनवाए जाते हैं मरे हुए राजाओं के लिए यस yes, उनके लिए टूम बनवाई जाती है लेकिन जो टूम शेक्सपियर की बनी है हर रीडर के दिल में जो कभी ख़त्म नहीं होगी कभी बर्बाद नहीं होगी हमेशा लोग उनको याद रखेंगे ऐसी टूम को पाने के लिए तो बड़े बड़े राजा भी मरने को तैयार हैं उनको नहीं चाहिए कि हमारे लिए सोने का टूम बनाओ उनको भी है कि हमें भी लोग इतना ही प्यार करें हमें भी लोग सदियों सदियों तक ताउर लास्टिंग याद रखें जैसे शेक्सपियर को लोग याद कर रहे so हैं हमारी पोम खत्म होती है और बेसिकली कंक्लूजन ये निकलता है इस पोम का एक मैसेज है कि शेक्सपियर को बिल्कुल जरूरत नहीं है शान और शौकत वाली टूम की क्योंकि उनके रीडर्स के अंदर वो समा चुके और उन्हीं के अंदर उनकी टूम या उनका मकबरा है जॉन मिल्टन ने शेक्सपियर के ऊपर ये पूरी पोम इसलिए लिखी क्योंकि कही न कहीं ना कहीं जॉन मिल्टन को डर था कि समय बीतते कहीं ऐसा ना हो कि शेक्सपियर को लोग भूल जाएं उनका असर ख़त्म होना लगे लेकिन साथ ही साथ उन्हें विश्वास भी था कि उनके जो रीडर्स हैं वो कभी भी ऐसा होने नहीं देंगे क्योंकि वो समा चुके हैं शेक्सपियर समा चुके हैं अपने रीडर्स के अंदर और वो उनके रीडर्स जनरेशन बाय जनरेशन पीढ़ी दर पीढ़ी शेक्सपियर को पढ़ते रहेंगे और शेक्सपियर का नाम कभी ख़त्म नहीं होगा ओके okay? सो दिस वॉज ऑल अबाउट द पोम आई होप आपको पोम अच्छे से समझ में आ गई होगी और आप चाहे तो हमारे वीडियोस यूट्यूब पर भी देख सकते हैं वहाँ ना मिले तो वेबसाइट पर जाइए अदर दैन दिस मैग्नेट ब्रिन्स ने आपके लिए ई बुक्स भी निकाली हुई है इफ़ यू वॉन्ट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म लिंक गिवन है विजिट दैट फॉर्म लिंक एंड आर टीम विल गेट बैक टू यू तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर